वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। आज का हमारा सोशल इशू है, बल्कि सोशल इशू कह लें या नेशन का इशू कह लें, फिर क्या कौन सा इशू है जो बढ़ता ही जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा। अच्छा जनाब, अदम बर्दाश्त, मैं इसको बहुत दफ़ा पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ और मैंने आज भी सुबह यही डिस्कशन करी थी कि मेंटल हेल्थ जो है बेसिकली उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। जितना हम फिज़िकल हेल्थ की तरफ तवज्जो दिलाते हैं लोगों की कि आपने फिज़िकली फ़िट रहना है, आपने एक्सरसाइज करनी है, मेंटली फिट होंगे तभी आप फिजिकली फिट रह सकते हैं। और मेंटली फिट आजकल बहुत कम लोग हैं। हम में से कोई ना कोई किसी ना किसी तरह की जंग लड़ रहा है, किसी को कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, अब डिस्टर्ब है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, वो सब क्या निकलता है, उसकी एक अदम बर्दाश्त भी उसकी फॉर्म निकलती है। उस पर आज हम डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट होंगी डॉक्टर ताहिरा रुबाब, और इसके साथ साथ हमारे साथ फातिमा उस्मान होंगी, सोशल वर्कर भी हैं, पॉलिटिकल वर्कर भी हैं। दोनों को वेलकम करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सबसे पहले तो डॉक्टर ताहिरा, हम सही कह रहे हैं कि आजकल के दौर में अदम बर्दाश्त एक फॉर्म है हमारी मुख्तलिफ परेशानियों की, जो हम मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं उसकी एक फॉर्म हमें अदम बर्दाश्त। ट्रू, बिल्कुल ऐसा ही है। और मिला कि हमारे लिए बहुत बड़ा मसला जो है ना बर्दाश्त करना है चीज़ों को, कि हम बर्दाश्त करें। और हम एक एक जो है ना हाइपर एक्टिव सी कॉम है, जिसमें यानी बिल्कुल भी वी कैन नॉट वेट फॉर द रिजल्ट्स के कल तक या परसों तक हमें, यानी किसी चीज़ का अगर हमने रिजल्ट भी पता करना होता तो हम पहले से बेचैनियाँ शुरू हो जाती हैं, अभी क्यों नहीं पता चल जाता, अभी क्यों है क्या। और हम डिफरेंट ज़राए अपने इस्तेमाल करते हैं उस। आई सो वांट टू रिलेट दैट, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे जब तक कोई चीज़ पता ना लग जाए मुझे क्यूरियोसिटी बेचैनी रहती है। एग्जैक्टली, कि हम पूरा उस तक पहुँचने की, हर तरह से पहुँचने की पूरी कोशिश करते हैं। तो इसी तरह से हम जब लोगों के रवैये भी देखते हैं, गुस्सा भी देखते हैं, हमारी जैसे जो ये जो हमारी नेशन है खास तौर पे, और ये सब कॉन्टिनेंट का जो रीजन है, यहाँ पे इमोशनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है, और उस इमोशनल इम्बैलेंस की वजह से ही हमारे अंदर अदम बर्दाश्त और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो आ गई हैं। बेसिकली इसको हम अगर रिलेट करें तो हम लोग बहुत सारे और वैल्यूज़ जो हैं, सोशल वैल्यूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, हम रिलीजियस वैल्यूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। एक चीज़ जो हम लैक कर रहे हैं, दैट इज़ द पर्सनैलिटी बिल्डिंग, वो है हमारे, और जो हमारे शुरू से ही बचपन से ही हमारे साथ चलती है, जिसमें हम बच्चों को बर्दाश्त करना उस वक्त भी सिखाते हैं। जैसे अगर आपको याद हो, बच्चा रो रहा होता है तो माँ उसको फौरन सेटिस्फाई करती है, जहाँ से बच्चे को ये लर्निंग आती है कि बस ठीक है मैंने रोना है, मेरी फटाफट मेरी नीड्स पूरी हो जानी चाहिए। सो हमारा यानी वो फर्स्ट ब्रेक ऑफ ब्रॉटअप जो है ना, वो इसी चीज से आता है कि जी आप फटाफट सेटिस्फाई कर दें, फटाफट इसको जो चीज चाहिए रोने से अपनी जान छुड़ाने के लिए आप उसको सेटिस्फाई कर दें। चूज करें अपने आप के साथ कि आपने अपने आप को पीसफुल रखना है, आपने पॉजिटिव रखना है, आपने सक्सेस की तरफ जाना है, क्योंकि ये आपकी अपनी सिलेक्शन होती है, आप अपने लिए क्या चूज करते हो। और गुस्सा करना भी आपकी अपनी एक सिलेक्शन है, अब्यूजिव होना भी आपकी अपनी एक सिलेक्शन है। अगर आप अपने आप को सिलेक्ट कर रहे हो कि जी आई हैव टू बी काम, मैंने पीसफुल रहना है, मैंने एक तो हैप्पीनेस का एलिमेंट अपनी लाइफ में रखना है, और अपने मिजाज को काम रखते हुए मैंने चीज़ों को मैनेज करना है, वट कम्स वर्स टू यू, अगर कुछ भी गलत हो जाता है या किसी से कोई गलती हो जाती है या हमें किसी की कोई बात बुरी लग जाती है, तो बहुत सारे हजारों अच्छे तरीके हैं उस चीज़ को मैनेज करने के। वाई टू शाउट, वाई टू अब्यूज, हम क्यों करते हैं, ये हमने सिलेक्शंस बनाई हुई होती हैं अपनी लाइफ के लिए कहीं ना कहीं। डॉक्टर तायरा, ये बिल्कुल ठीक है, ये सिलेक्शंस भी हैं और डेफिनेटली हमारी ब्रॉटअप और हमारी चीजें, सारी चीजें भी एक तरीका होता है, एक नेचर होती है किसी चीज को रिएक्ट करने की, रिएक्शन शो करने की। उससे हमें फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एक बंदे को अगर आप प्रोवोक करे जाएंगे काम करने के लिए कि वो आपको आपसे रूड हो या, तो एट द एंड उसका भी टेम्परामेंट शॉर्ट होता है। तो मेरे ख्याल से दोनों साइड से ये चीज बैलेंस होनी चाहिए कि आप एक बंदे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपकी चीजें बर्दाश्त करता रहे। एग्जैक्टली, सारी चीजें जो है ना वो जाती तो अलॉन्ग विद वन एंड अदर हैं, मगर इन द एंड जो है ना वो मेरा रिस्पॉन्स किसी भी सिचुएशन में, यानी देखो जो जब हम अदम बर्दाश्त में होते हैं तो अक्सर हम रिएक्ट करते हैं। जो लोग पुरसकून होते हैं, जो इमोशनली इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो हमेशा रिस्पॉन्स करते हैं। अब ठीक है, मुझे पता है अगले बंदे के रिस्पॉन्स और रिएक्शन की मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने रिस्पॉन्स और रिएक्शन की जिम्मेदार जरूर हूँ। मैं उसको चेंज नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपना रिस्पॉन्स और रिएक्शन जरूर चेंज कर सकती हूँ। सो बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे सर्कमस्टांसेस बहुत ज्यादा हमें लीड करते हैं, मगर इवन देन वी हैव टू सिलेक्ट हाउ वी वांट टू बिहेव, हाउ वी वांट टू डील विद द सिचुएशंस। क्योंकि जब आप अदम बर्दाश्त में जाते हैं, आपने देखा होगा कि आप शाउट करते हो, सिचुएशन हैंडल नहीं होती, वर्स हो जाती है। और उसमें अक्सर घरों में भी जब अगर हस्बैंड वाइफ की भी इवन लड़ाई हो रही हो किसी एक बात के ऊपर, तो आप देखते हो पिछले सारे मामला जो हैं
आज की सिचुएशन में आ जाते हैं और आज जो एक अहम मामला आपने डिस्कस करना था वो कहीं पीछे ही रह जाता है और फिर अगली दफा जब लड़ाई होगी ये मामला भी इसमें यानी इसका वो सारी चीजें इकट्ठी होती चली जाती है। सो यू नीड टू बी वेरी विजिलेंट एंड यू नीड टू फोकस ऑन हेयर एंड नाउ, अभी क्या है और इस वक्त क्या है और इसको मैंने कैसे हैंडल करना है। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, इस पर मजीद भी बात करेंगे, कॉल लेते हैं फिर फातिमा की जानिब आते हैं। सना हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम उर्मिला। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सना? मैं ठीक हूँ उर्मिला, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, क्या कहना चाहेंगी उर्मिला? आज तो आपका टॉपिक है ये, तो मेरे अगर बच्चे होते ना मेरे पास तो उन्होंने कहा ये टॉपिक मामा आपसे आज क्यों आपको भी है ये प्रॉब्लम? वैसे तो सबके होती है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है मुझे, मेरे बच्चे मुझे ये कहते हैं कि मामा आपको तो समझ नहीं होता ना, आप बस कहती है फौरन जल्दी से ये काम हो गया। वो मतलब मेरे तीनों बच्चे मुझे इस तरह कहते हैं, जल्दी जल्दी होते हैं आपको कि आपने कहा और काम हो गया। मैंने अपनी बेटी को अगर आमीन ये काम जल्दी से कर दो, कहीं मामा दो मिनट आप सब्र करें, लेकिन पता नहीं मुझे होता है कि जल्दी से बस ये मेरा काम, बस एंजाइटी हो जाए। ठीक हो गया, हाँ इस पे सना और मजीद को सवाल। अच्छा सना हमारे साथ कॉलर थी जनाब, सना हमें बता रही थी कि उनको भी ये प्रॉब्लम है कि काम कहा और हो जाए। फातिमा आपकी जानिब आएंगे, आप भी चूंकि ऑब्जर्व करती होंगी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोशली भी बहुत सारी ऐसी चीजें, अदम बर्दाश्त उसमें डेफिनेटली पाया जाता है। देखिए अदम बर्दाश्त तो हमारे मुआशरे में इस तरह शरायत कर गया है ना कि जिस तरह सांसें चलती हैं, इसमें आप ये देखें कि आप अगर आप रोड पे हैं तो आपको नज़र आएगा कि हर कोई एक दूसरे से अपनी लाइन में खड़े होकर वेट नहीं करना, आगे गुजरने की कोशिश करनी है कि उससे पहले मैं निकल जाऊं। इसी तरह आप असेंबली में देख लें कितना अदम कितनी के बर्दाश्त है, जो हम पढ़े लिखे लोगों को जिनको हम जो वोट लेके सिलेक्ट करके असेंबली में भेजते हैं, वो वहाँ पे कितनी उनमें बर्दाश्त है, वो किस तरह दूसरे को बात करने का मौका देती हैं और किस तरह वो बात करते हैं। आप कहीं पे भी देख ले, एक आपने देखा होगा कि कुछ अरसा पहले बुटीक थी एक, जहाँ पे कोई मतलब आम जाहिल खवातीन नहीं थी, पढ़ी लिखी खवातीन थी, पैसे वाली खवातीन थी, जो गई और वहाँ पे जो फाइट हुई लड़ पड़ी सूटों पे लड़ पड़ी, और वो आप देखें कि आगे से जब उनके बच्चे स्कूलों में जाते होंगे और वो जब बात होती होगी जी उस बच्चे का क्या हाल होगा जिनकी माएँ आपस में इस तरह लड़ी होंगी, और जाहिर है बच्चे उनका मजाक उड़ाते होंगे कि नहीं उड़ाते होंगे, तो उस वक्त हम ये नहीं सोचते कि उसका बाद में जो आफ्टर इफेक्ट होंगे वो हमारी फैमिली पे हमारे बच्चों पे किस तरह आएंगे। दोनों से छोटी छोटी बात हम ले रहे हैं, डॉक्टर ताहिरा आपसे शुरू करेंगे फिर हम फातिमा की जाने बात है। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि इवेल्युएट कर लें कि अगर कोई चीज जो है वो अगर आप फौरन रिएक्ट कर रहे हैं तो ये आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, आप अपने ब्रॉटअप को प्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी फैमिली को भी प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, आपने एक सिलेक्शन करनी है कि आप अपने आप को कैसे देखना चाहते हैं दुनिया में, आप अपने आप को कैसे ट्रीट करना चाहते हैं। ये सिलेक्शन जो है, ये डिसीजन जो है आपकी जिंदगी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है ना वो आसान कर देता है। चूज टू बी पॉजिटिव, चूज टू बी काम एंड एट पीस, और यही वो चीजें जो आपको सक्सेस की तरफ भी लेके जाएंगे। ठीक, मेक अ राइट डिसीजन फॉर योर ओन सेल्फ, आप अपने आप को कैसे देखना चाहेंगे। लवली फातिमा, देखिए ये हमने ना खुद से सोचा होता है कि अब इस इशारे पे गाड़ी रुकी है और अब जब ये खुलेगा तो मुझे इससे पहले जाना है। यही हम होते हैं जब हम कहीं बाहर गए होते हैं तो हमें पता होता है कि हमें अगर इसको हम क्रॉस करेंगे तो हमें ही उसको भुगतना भी पड़ेगा, तो उस वक्त हम कंट्रोल करते हैं, उस वक्त हम आराम से अदम बर्दाश्त उसमें उस वक्त हमारे ऊपर नहीं आती, उस वक्त हम वेट करते हैं अपनी बारी का, कहीं लाइन लगी हुई है टिकट लेना है तब हम अपनी बारी का वेट कर रहे होते हैं क्योंकि हमें पता है कि अब हम इससे आगे नहीं जा। ये कानून जो बने होते हैं ना ये उसकी भी बड़ी बात है कि यहाँ पे कोई पूछता नहीं, हम सोचते हैं कि चलो जी उससे पहले मैं निकल सकता हूँ तो मैं निकल जाऊँ। सब सब मौसम बदल रहा है चूंकि शादियों का सीजन, इसलिए कहा कि हम दिसंबर को कहते ही है और उसमें मेकअप और ये सारी चीजें स्किन ट्रीटमेंट शुरू हो जाते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं नॉर्मली स्किन के? देखिए अगर हम सर्दियों का लें और अगर दोनों चीज़ों का अगर हम लें, शादियों का सीज़न आ रहा है तो सबसे पहले तो सर्दियों में नेचुरली ड्राई स्किन प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। जैसा हमेशा मैं बताता हूँ कि टाइप ऑफ स्किन्स होती हैं, किसी की ऑयली है, किसी की ड्राई है और किसी की मिक्स्ड स्किन है, ऑयली एंड ड्राई मिक्स्ड है दोनों उसके अंदर। तो वहाँ हम बताते हैं पेशेंट को कि जी आपने अकॉर्डिंग टू द स्किन चलना है, जिनकी ड्राई है वो ओवर ड्राई हो जाएगी तो वो आपको उसके मुताबिक मॉइस्चराइजर्स एमोलिएंट्स को चीज़ें लगानी हैं तो हाइड्रेट द स्किन, एक तो वो हम पेशेंट को कहते हैं।
پھر سیکنڈ آپ نے کہا کہ شادیوں کا سیزن, بالکل صحیح بات ہے, میک اپس بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ کیا کیا پرابلمس آتی ہیں, بہت زیادہ ٹریٹمنٹس کراتے ہیں آپ کے, آپ اپنی اسکن کو رادر سمجھے ڈیمیج کرتے ہیں اور جو پی ایچ لیول ہماری اسکن کا ہوتا ہے وہ آلٹر ہو جاتا ہے, جس سے اسکن ہماری اور ڈیمیج ہو جاتی ہے. ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر جی نبیل, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میم میں حویلی لکھا سے بات کر رہا ہوں. جی جی. اصل میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ایریا, تو یہاں پہ مجھے کوئی پراپر کوئی سولوشن نہیں مل رہا. میرے ناک کے اوپر نا چکن پوکس نکلا تھا کوئی آج سے 4-5 سال پہلے, تو وہ ایک بڑا سارا مارک بنا ہوا ہے, وہ ختم نہیں ہو رہا اور مجھے کوئی اس کا سولوشن نہیں مل رہا یہاں پہ. اوکے, ٹھیک ہو گیا, تھینک یو سو مچ فار کالنگ, بہت شکریہ. جی بہت اچھا کوسچن. اس سینس میں پہلے تو بتاؤں گا چکن پوکس کیا چیز ہوتی ہے. لاکڑا کاکڑا جس کو عام زبان میں کہا جاتا ہے. اور یہاں میں ایک چیز کلیئر آج کروں گا کہ لوگ حیران رہ جائیں گے میری اس بات سے کہ جب چکن پاکس لاکڑا کاکڑا بچوں میں نکلتا ہے تو آپ دیکھیں, نوٹ کریں, آپ اپنے گھر میں بھی نوٹ کریں گی کہ لوگ دور کر لیتے ہیں بچوں کو کہ بھئی اس بچے کو نکلا ہے اس کو دور کر لو. میرے بھی جب میرے ماشاء اللہ دو بیٹے تھے, چھوٹے بیٹے ہیں تھے, اب تو بڑے ہیں, تو جب ایک کو نکلا میں نے دوسرے کو ساتھ رکھا کہ اسی عمر میں نکل جائے گا تو پرابلم نہیں ہوگی, یاد رکھیں. اس لیے کبھی چکن پاکس ہو اس کو آپ روکیں نہ چھوٹی عمر میں. اگر بڑی عمر میں آئے گا تو یہ حال ہوگا جس طرح بھی یہ کالر بتا رہے تھے کہ بڑی عمر میں آئے گا تو چکن پاکس خراب کرتا ہے. تینوں بہن بھائیوں کو اکٹھا نکل آئے, لوگ روکتے ہیں, میں کہتا ہوں نہیں رکھو اسی عمر میں, چھوٹی عمر میں. بڑوں میں آئے گا کمپلیکیشنز ہیں, بہت کمپلیکیشنز ہیں. یہ تو ایک انہوں نے بتائی کہ سکار پڑ گیا. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو دانے ہیں ان پہ خارش بہت ہو جاتی ہے, انفیکشن پیپ پڑ جاتی ہے. جو کوئی شخص نوچ لے اس دانے کو تو وہاں پر نیچے گڈھا پڑ جاتا ہے اسکار, اور ایک نہیں بہت سارے اسکارس پڑ جاتے ہیں. اس کے لیے پھر ایک دفعہ اسکار گڈھا وہ پڑ گیا, ساری زندگی وہ ٹھیک نہیں ہوگا. پھر وہی بات آ گئی کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آئیں ہم لیزر کریں, اس کو ٹھیک کریں, 4 پیسے بنا لیں گے, مگر وہ سکار وہیں کا وہیں رہے گا. تھوڑا بہتر ہو سکتا ہے, کچھ ایسی ٹریٹمنٹس ہیں, مگر زندگی بھر ختم نہیں ہوگا. بہتر ہو جائے گا, ختم نہیں ہوگا, ختم نہیں ہوگا, بہتر ہو جائے گا, امپروو ہو جائے گا, مگر ختم تو بھول جائیں. ایک دفعہ سکارنگ آ گئی, ڈیپ سکار پڑ گیا, کبھی کام ہو جائے گا. سبا کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ فار کمنگ. سبا آپ کی جانب آئیں گے ہم مسز یاسر کے سوال کا جواب. جی جی بالکل, ایگزیکٹلی. ہاں جی, انہوں نے کہا کہ میں نے پرامیلٹین گولی کھائی ہے. پرامیلٹین از اے ہارمون, اور یہ کھائی جاتی ہے کہ کسی نے جانا ہے کوئی, سمجھے کہ جو حج پہ عمرے پہ پیریڈس کو روکنے کے لیے, تو یوزلی تب کھائی جاتی ہے, یا اور بھی ہارمونل پرابلمس کے لیے کھائی جاتی ہے فیمیلس کے اندر. تو اس کی وجہ سے کیا تھا کہ وہ ہارمونس اس میں جب ڈسٹرب ہوں گے, آپ ایک چیز کو اسٹاپ کریں, نیچرل چیز کو اسٹاپ کریں, تو آپ کی باڈی کے اندر چینجز آتی ہیں, جس سے وہ جو کہہ رہی ہیں ایکنی نکل آئی, یہ کیل نکل آئے. یہ بہت کامن ہم دیکھتے ہیں کہ مریض کا پہلا کوشچن ہی ہمارا ہوتا ہے, آپ کوئی ٹیبلٹ تو نہیں لے رہی ہیں, کوئی ہارمونس تو نہیں لے رہی ہیں. اب جو وہ جو آگے ہیں ایکنی, وہ تو خیر ٹھیک ہو جائے گی, اور لوکل اپلیکیشن کے ساتھ ہی ہم کوئی ٹیوب دیں گے, کریم دیں گے, اس سے نہیں ہوگا تو عام چھوٹی موٹی کوئی ٹیبلٹس بھی دینی پڑ جاتی ہوتی ہیں کبھی کبھار, مگر وہ ٹھیک ہو جائے گا ان کا, وہ کسی کو دکھا لیں اور ڈرمیٹولوجسٹ کو, تو چند دنوں میں ہو جائے گا. کرونک نہیں ہے یہ, ایکیوٹ فیز ہوتا ہے, ٹائم کنزیومنگ چیز ہے. اچھا یہ بھی ہمارے لوگوں کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو اسکارز ہوتے ہیں یا جو ایکنی ہوتی ہے یہ ٹائم کنزیومنگ ہے, یہ فوراً سے ٹھیک نہیں ہو جاتا. دیکھیں ایکنی دو طرح کی ہے, ایک تو ہوتی ہے کہ جو زیادہ تر ایکنی وہ جو کرونک ہوتی ہے کہ مہینوں مہینے کیا سالوں سال مریض آ کے کہتے ہیں جی 5 سال سے چہرہ بڑا غرق ہو گیا, شادی نہیں ہو رہی ہے, پرابلمز ہو رہی ہیں ان کے اندر. اب ایک میڈیسن آ چکی ہے اس کے لیے جو پرماننٹ کمپلیٹ ہم مریض کو بتاتے ہیں کہ 90% آپ کی ایکنی نشان داغ دبے, اسکارز نہیں میں بول رہا, داغ دبے ساری زندگی کے لیے یہ آپ کے ختم ہو جائیں گے. 80-90% آپ کی ایکنی سیٹل ہو جائے گی, 6 مہینے لگتے ہیں, مگر اس کے بعد جو سکار رہ جاتے ہیں, ابھی جیسے ہم بات کرتے ہیں گڑھے پہ چہرے پہ پڑ جائیں کسی کے, اس لیے ہم کہتے ہیں ایکنی کو شروع میں پمپلس کو ٹریٹ کریں. ایک دفعہ گڑھے پڑ گئے ساری زندگی نہیں جائیں گے, یاد رکھیں. یہ سب ڈرامے بازی ہے, جتنی لیزر آئی ہے کہ جی آئیں اس کو ہم CO2 لیزر کریں یا اور قسم کی اتنی لیزرز آئیں, کسی سے یہ بہتر کر سکتی ہیں چیزوں کو, صرف تھوڑا بہت ہلکا پھلکا آپ کہہ لیں 20-30%, بس اتنا آپ کی امپروومنٹ آ سکتی ہے ان سکارز کے اندر. آپ کی سنے میں آئیں گے کیونکہ ونٹرز ہیں, شادیوں والا سیزن شروع ہو جائے گا. میک اپ ٹرینڈز کی بات کیجیے تو کس طرح کا میک اپ آج کل لینا ہے؟ اور میرا آج کل نیوڈ لپسٹکس بہت ہی نہیں ہے, بہت زیادہ برائٹ نہ ہو. اوبویسلی اگر آپ اپنے کسی ویڈنگ پہ جا رہے ہیں تب تو آپ تھوڑا برائٹ لیں گے, لیکن نارمل ویئر میں, ریگولر ویئر میں نیوڈ لپسٹک زیادہ چل رہی ہے. اور پلین آئیز اینڈ نیوڈ لپسٹک. ہیئر اسٹائلس ہے, کلر کی بات کی جائے تو کس طرح کے ہیئر اسٹائلس آج کل؟ ون کلرس لوگ زیادہ پریفر کر رہے ہیں, ہائی لائٹس لو لائٹس ذرا کم کراتے ہیں لوگ سردیوں میں,
तो विंटर्स में ज्यादा यही इन होता है कि आप वन कलर जिसमें आप बर्गंडी और लोग कॉपर बहुत डिमांड करते हैं. अच्छा लवली, अच्छा चूंकि अभी विंटर वेडिंग्स में बहुत सारे कलर्स ड्रेसेस का भी बहुत मैटर करता है, तो नेचुरल लुक या मैंने देखा बहुत सारी खवातीन थोड़े कॉन्टोर और इस तरह की अपनी जो कहने ना बोन्स है उनको प्रोमिनेंट करने की, फीचर्स प्रोमिनेंट करने के लिए वही टेक्निक्स इस्तेमाल कर रही है. ये मिला बिल्कुल इसी तरह से है. आजकल लोग लड़कियां कंटोरिंग पे बहुत फोकस कर रही हैं, तो क्या होता है कि आपके फीचर्स अच्छे शार्प इनहेंस हो जाते हैं. दूसरा ये कि आप जैसे ग्लोइंग किट्स बहुत इन है, आप अपनी चिक बोन्स को आप ग्लो करते हैं उससे और इन्हेंसमेंट हो जाती है. इनकेस आप वैसे तो मेजॉरिटी मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये अवॉइड करना चाहिए कि ओवर द काउंटर आप चीजें इस्तेमाल ना करें, नेचुरल चीजों पर रिलाय करें, डाइट वगैरह पानी वगैरह इससे बहुत स्किन बेहतर हो जाती है. बिल्कुल, ये अब नेचुरल्स में हम खुद भी कहते हैं, हम कभी मना नहीं करते नेचुरल चीजों को. लोग लगाए समझे, कभी कोई कहते हैं लगा लिया, हम कहते हैं ठीक है भाई वन कैन यूज इट इन चीजों को, और बाकी तो जो केमिकल्स हैं वो अवॉइड करें जो मार्केट. सब यही बात है ना, जैसे आजकल हर लड़की वर्किंग है, मोस्टली लड़कियां वर्किंग हैं, कोई टीचर है, घर से बाहर निकलती हैं, तो अपने आप को अपडेट तो रखना है, अपग्रेड तो हमने रखना है. तो ये जरूर है कि हम जब दिन में अपना मेकअप करते हैं तो हम उसको वेयर करें, लेकिन हम रात में प्रॉपरली उसको क्लेंज आउट करें और ऑर्गेनिक जरूर यूज करें. और वर्किंग में मैं कोशिश ऐड करना चाहूंगा कि क्योंकि आपने कहा बिल्कुल आजकल बहुत वर्किंग लेडी सब बाहर जाना है, तो अगर उन्हें मेकअप करना है तो मैं चाहूंगा मेकअप के पहले या बाद जो भी उन्होंने करना है सनब्लॉक, और वो भी अब तो आप भी डॉक्टर बन गए हैं, सनब्लॉक तो बहुत मस्ट, दैट इज मस्ट, क्योंकि उसने लोग समझते हैं कि सर्दियां आ रही हैं और सर्दियों में सनब्लॉक की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा जरूरी है, ज्यादा जरूरी है. वो देखिए आपके एटमॉस्फेयर में एक ठंड है मगर धूप तो वही है, श्वा तो जो सूरज से, बल्कि हमें तो आदत होती है सर्दियों में धूप में बैठने, धूप में बैठने की, बैठे जरूर मगर बैक करके बैठे, सन शुड नॉट फॉल ऑन योर फेस, बिल्कुल नहीं फेस के ऊपर. तो जो लोग अपना स्किन ट्रीटमेंट कराते हैं और मिला हम उन्हें ये कहते हैं बेशक एक क्लेंजर ना लें लेकिन सनब्लॉक मास्क, सनब्लॉक मास्क, क्योंकि एक्सफोलिएशन हो रही है स्किन की तो डेड स्किन होता रही है. इसमें वाटर बेस्ड नहीं चलेगा सर्दियों में, इट शुड बी ऑयल बेस्ड सनब्लॉक ताकि थोड़ा मॉइस्चराइज करे, हाइड्रेट करे स्किन को ना, मॉइस्चराइजिंग सनब्लॉक लें उनसे आप. वाटर बेस्ड लेंगे और ड्राई कर देगा, जिसकी ड्राई स्किन है वो कहेगा मेरी तो फटनी शुरू हो गई. बस इस मौसम में ज्यादातर शिकायत ये होती है हमारी स्किन बहुत ड्राई हो रही है, फट रही है, इसी वजह से आप मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करें. और अभी ग्लिसरीन का आपने बताया, मॉइस्चराइजिंग बेस्ड सनब्लॉक्स आते हैं जिसके अंदर ऑयली बेस्ड सनब्लॉक जिनको हम कहते हैं वो वाले होते हैं, वो भी मार्केट में अवेलेबल है. वही बात है डॉक्टर साहब की, मार्केट में हर चीज अवेलेबल है लेकिन हमें नॉलेज कितना है, हमारे कस्टमर्स को कितना नॉलेज है. ओवर द काउंटर चीजें खरीदने का नुकसान भी उतना ही है, और फिर जब आप खरीद कर इस्तेमाल कर लेते हैं फिर डॉक्टर भी बेचारा परेशान होता है कि आप अपने साथ क्या ट्रीट करके आए हैं. और सैलून्स पे आप चूंकि सॉरी किसी को मैं ऑफेंड नहीं करना चाहिए, पर हम डॉक्टर्स भी आके कहते हैं कि सैलून सर्विसेज का पर्पज ये नहीं होता कि वो आपको एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट टिप्स दें, वो आपको क्लेंज करते हैं आपको प्रॉपर आपकी स्किन को बेहतर करने में, क्लेंजिंग के बाद आप फ्रेश नजर आते हैं. आप उनसे ये नहीं पूछ सकते कि एक्नी प्रोन चीज स्किन के ऊपर आप कौन सा फेशियल कराएं, या आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट ही रिकमेंड कर सकता है. मिला जो अच्छे सैलून्स है ना वो आपकी स्किन को पहले स्कैन करेंगे, अगर वो उसको ट्रीट कर सकते हैं वो उनके लेवल का काम है तो वो कहेंगे कि ठीक है ये हम कर लेंगे, लेकिन अगर एक स्किन बहुत खराब हुई तो डर्मेटोलॉजिस्ट का काम. देखिए इसी तरह जिस तरह हमें भी नहीं पता कि बेस में कौन सी या आपकी ब्लीचिंग्स में कौन सी क्या है, तो इसलिए हम नहीं उसको कर सकते, तो वो आपका डोमेन है, ये हमारा डोमेन है, अपना अपना डिपार्टमेंट. ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच दोनों का, बहुत शुक्रिया कि जनाब आप दोनों ने हमें इतनी प्रॉपरली विंटर के हवाले से मेकअप के हवाले से गाइडेंस दे दी. और अभी जनाब हम आपसे इजाजत लेंगे और इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी कल. हमें फेसबुक पर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, हमारा पेज है जागो लाहौर का. और इन केस आज का शो आपने मिस किया तो शाम 5 बजे और रात 1 बजे रिपीट भी होगा. आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.